नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किया जाता है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगस्त महीने में भी सरकार सिलेंडर के दाम कम कर सकती है। राजस्थान की भजनलाल सरकार सम्मान नागरिक संहिता बिल लाने की तैयारी कर रही है। सांसद कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को सदन में एक प्रश्न का जवाब देते हुए इसकी पुष्टि की। विधायक कालीचरण के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री बोले, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में यूसीसी बिल लाने पर विचार किया जा रहा है। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े ने गुरुवार को जनपद स्थित अमर जवान ज्योति पहुँच कर वहाँ पुष्प चक्र अर्पित किया। राज्यपाल बागड़े ने अमर जवान ज्योति पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वीर शहीद हमारे देश के गौरव हैं, जिनसे हम सब अलोकित होते हैं। उन्होंने वहाँ रखी विजिटर बुक में लिखा कि माँ भारती के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना प्राण निछावर करने वाले सभी शहीदों को मेरा नमन। राजस्थान के कई जिलों में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। इससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सबसे ज्यादा खराब हालत राजधानी जयपुर के हैं, जहां बीती रात से हो रही तेज बारिश ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जयपुर में बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव हो गया है। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालत हो गए। कई जगह सड़क धस गई। रेलवे ट्रैक के साथ साथ एयरपोर्ट पर भी पानी जमा हो गया। कई कॉलोनियां भी डूब गई। वही विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में एक मकान के बेसमेंट में बारिश का पानी घुसने से एक नाबालिग समेत 3 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। जयपुर में बारिश से बिगड़ते हालातों पर भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पूर्ववर्ती सरकार की सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से शहर में जगह जगह पानी भर गया है। पिछली सरकार के समय सड़कों के निर्माण, नालियों के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिससे हालात ये हैं। राजस्थान युवा कांग्रेस के सचिव और कोटपुतली जिला प्रभारी रवि कुमार के नेतृत्व में राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर कोटपुतली जिला कलेक्टर का घेराव किया। इस दौरान कोटपुतली जिला प्रभारी और राजस्थान युवा कांग्रेस के सचिव रवि कुमार ने बताया कि आज तो सिर्फ संकेत दिया है, अगर किसानों को राहत नहीं दी गई तो युवा कांग्रेस आंदोलन करेगी। अन्नदाता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले कि अंदर संसद लीक हो रही है और बाहर पेपर लीक हो रहा है। एक्सप्रेस वे बह रहा है, पुल टूट रहे हैं, अटल सेतु में दरार आ रही है। संसद भवन के अंदर जिन कंपनियों ने काम किया, उन्होंने भाजपा को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। 3 लाख करोड़ का ठेका उनको दिया गया जिन्होंने इनको चंदा दिया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी दीपक कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दीपक को लेकर कई सख्तियां की, उसे गुंडा तक कह दिया। कोर्ट ने कहा कि क्या दीपक को एक युवा महिला पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई। मामले पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। पुलिस ने आगरा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने लखनऊ में डीजी कंट्रोल रूम को भेजे गए ईमेल में आगरा एयरपोर्ट और आगरा रेलवे स्टेशन को 50 किलो आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी थी। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद आगरा पुलिस ने जिले में सतर्कता बढ़ाई थी। मेल भेजने वाले ने सीएम योगी को भी चैलेंज किया था। धौलपुर के रहने वाले युवक के मुताबिक पड़ोस का युवक उसकी बहन को परेशान करता था। आरोपी ने पड़ोसी युवक का मोबाइल चोरी कर उसके मोबाइल से मेल किया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज बड़ा फैसला आया। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई, जबकि मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया गया और ट्रायल चलने के आदेश दिए गए। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सब फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।